जी तो स्वागत है आपका एक और नई सुबह में। हम ज़्यादा व्लॉग बना नहीं रहे हैं, बस सुबह का थोड़ा बनाते हैं और 5 मिनट के लिए थोड़ा शाम का बना लेते हैं। अब एक और नया दिन है, बोरिंग ही हो रहा है क्योंकि धूप में बाहर निकलने का मन नहीं करता। अभी वियतनाम का वीज़ा आ गया है, उसकी जीरोक्स कॉपी निकालनी है। अभी हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे आस पास में कोई दुकान वगैरह, एक होटल में चलते हैं, उसको बोल देंगे कि हम मनी पे कर देंगे अगर आप जीरोक्स कॉपी निकाल सके तो। मैं आपको होटल दिखा देता हूँ कौन सा है। यह स्लीप विद मी, दिस इज होटल। और हम देखते हैं कहाँ से एंट्रिंग होगी। ये रही एंट्रिंग, आई एंटर दिस होटल। जी तो हम आए थे स्लीप विद मी होटल, बहुत अच्छा स्टाफ था यहाँ का। हमने इनको बोला कि हमें जीरोक्स कॉपी चाहिए, तो इन्होंने निकाल के दे दी ये वाली है कॉपी, अपना वीज़ा और टिकट की हमने निकलवा लिया। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, अच्छा बिहेव करते हैं ये स्टाफ वाले कंपैरिजन टू अदर। अगर मैं दूसरे हॉस्टलों की बात करूँ, होटल की बात करूँ, मैं रुका हूँ काफ़ी सारे होटलों में भी और हॉस्टल में भी, मैं पैसे पे करता हूँ रुकने के लिए, तब भी इतना वो अच्छा रिस्पांस नहीं आता इंडियन के लिए। लेकिन यहाँ पे स्लीप विद मी जो होटल था, बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो अच्छा लगा। और उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, मैंने उनको स्टार्टिंग में बोला था कि आई विल पे मनी, मतलब मैं पैसे दूँगा, और बाद में उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। तो अभी हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल में, बैग अपने डॉक्यूमेंट्स रख के फिर खाना खाने जाएंगे। हाँ जी तो प्लान में आ गया थोड़ा सा चेंज। हम हॉस्टल में कागज रखने वाले थे, लेकिन मेरे पास ना ब्लॉगिंग के लिए ट्राईपोड नहीं है, तो सोचा पहले ट्राईपोड ले लें और उसके बाद हम कुछ करेंगे, या तो खाना खाने निकलेंगे या फिर ये डॉक्यूमेंट्स रखने पहले। तो अभी हम आ गए हैं, ये भाई के पास आ गए हैं। कैसे हो भाई? ठीक है जी, और आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आज आए हैं हम ट्राईपोड लेने, वही कल वाला। हाँ जी तो आपका दोस्त किधर चले गए? वो चला गया वियतनाम। वियतनाम चले गया? हाँ, उसकी आज की फ्लाइट थी, मेरी है 2 दिन बाद की। अभी मेरा ये वीजा निकला, लेके आया हूँ। ये कॉपी है। हाँ जी, तो ये अपना ट्राईपोड है, कल हम देख के गए थे। बाहर में नहीं हो गया भैया, तो हमको कल को ऐसा हो रहा था। हो जाएगा ये हो जाएगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेके जाओ यार। हाँ, वो बोल रहा था अगर 250 बोल रहा था तो 250 भी दे दो यार। सही है, ठीक है। तो मैंने ट्राई तो बहुत किया, लेकिन हर जगह यही मिला, वो साइड में लगा हुआ। तो मैंने कहा चलो फिर यहीं से लेते हैं, अगर लेना है तो यहीं से लेंगे जी। नहीं तो नहीं लेंगे, नहीं तो लेंगे। ठीक है जी भैया, तो हमने ले लिया है ट्राईपोड, अब इसी से हम करेंगे आगे की ब्लॉगिंग। अच्छी शॉप है, शॉप का क्या नाम है भैया? आटी शॉप है भैया। आटी शॉप, आटी शॉप। आपको कोई भी ब्लॉगिंग के रिलेटेड या कोई भी सामान लेना हो यहाँ पे आ सकते हैं, भैया से मिल सकते हैं। जी आ सकते हो भैया जी, इधर में बहुत है, सब कुछ मिलता है। अब आप लोग देख सकते हो, इधर भी गोल्फू है, अभी इधर में ट्राईपोड बार भी है, गिम्बल है, अच्छे अच्छे दाम में मिलता है भैया इधर में। और यहाँ का दाम कंपैरिजन टू ऑल मार्केट सबसे कम है। हाँ जी, ये मैंने नोटिस किया है। और अगर आपको कोई भी सामान लेना हो व्लॉगिंग के रिलेटेड, या स्पीकर या कुछ भी लेना हो, तो आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे सब है, मोबाइल के कवर से लेके हर एक चीज़ तक। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अच्छे दाम में अपना परचेज कर सकते हैं। हाँ जी, तो अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं अपने ट्राईपोड से, अभी सिर्फ चेक कर रहे हैं कौन सा एंगल सही है, आप भी बता दीजिए कौन सा एंगल मेरे लिए सही है। यहाँ से ये, यहाँ से ये वाला हम सही है, यहाँ से पकड़ने में थोड़ी आसानी होती है। और शॉप आपको अभी हम दिखा देते हैं कौन सी शॉप है। ये पहले तो आप देख लीजिए, ये है मसाज वाला है, कोई क्रिस्टन मसाज, इसके सामने है 7-Eleven के सामने, और शॉप ही है शीश टैटू के पास। अच्छी शॉप है, अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से बाय कीजिए कोई भी सामान है कंपैरिजन टू अदर। मैंने ये ट्राईपोड बाहर पूछा था तो मुझे मिल रहा था लगभग 400 बात का, 400 में 450 का तकरीबन,
क्योंकि 500 बार उसने बोले थे तो डिस्काउंट लगा के 450 कर दिया था, और ये मुझे यहाँ पे मिला है सिर्फ 250 बात का। अच्छा है, तो हमने यहाँ से ये बाय कर लिया। अच्छा, अब वीडियो बनाने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि मैं वीडियो पहले बनाता था माइक के ऊपर हाथ आ जाता था, और जिसकी वजह से हर माइक के ऊपर हाथ आ जाता जिसकी वजह से वीडियो अच्छी नहीं बन पाती थी। तो अब ये है कि माइक के ऊपर से हाथ हट गया है, लेकिन थोड़ी और हमें माइक की वैसे ज़रूरत पड़ेगी, एक वायरलेस माइक ज़रूर लूँगा, अभी तो इसी से काम चला रहा हूँ।